मुझे इतनी खुशी हो रही है एंड सबसे ज्यादा खुशी मेरे चुनू मुनू बच्चों को देख के हो रही है. सो गुड इवनिंग एवरीवन, कैन आई हैव द रोर प्लीज. गुड इवनिंग पेरेंट्स. आज ये स्कूल है उसकी वजह सब आप हैं, बच्चे हैं. एंड मैं तहे दिल से आप लोग को शुक्रिया करना चाहती हूँ जिस हिसाब से आपने बच्चों के डेवलपमेंट के लिए कंट्रीब्यूशन किया है. एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी जिस हिसाब से पेरेंट्स आज आगे आ रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए. सो थैंक यू वंस अगेन एंड वेलकम एवरीवन. टीचर्स सर वॉन्ट्स ऑल आर टीचर्स Sir wants all our teachers to light the lamp because according to him, you all are the real source of knowledge. So please come up and light the lamp of knowledge. Please come up on the stage, teachers. Sir, may I request you on the stage, please? So teachers, this is the lighter. Please, please proceed. Everyone together, please. I would request everyone, let's light the lamp of knowledge together. Leave one for sir. Vandana teacher, let everyone do it. Sir, please light one lamp. हमारे गुरु ही हमारे रियल हमारे जिंदगी में ज्ञान की जोत जगाते हैं. इसीलिए मैंने रिक्वेस्ट किया कि हमारी टीचर्स आके लैंप जगाएं. टीचर्स थैंक यू फॉर योर टाइम. नाउ आई वुड रिक्वेस्ट रजनीश मिस्टर रजनीश धवन टू शेयर हिज ब्राइट नॉलेज विथ अस. Post which we will start with the welcome song and the inauguration of our annual day. Thank you very much. I really enjoyed seeing you and the teachers. So excited, especially my kids. Aap log bahut khoobsurat lag rahe ho. Aur aapki khushiyan dekh ke mera dil bhar aaya hai. दिल गार्डन गार्डन हो गया. आई वेलकम ऑल द पेरेंट्स एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू यू फॉर कमिंग हियर. मेरा सभी माता पिता और गुरुओं को प्रणाम है. मैं ज्यादा लंबी स्पीच नहीं दूंगा, बहुत छोटी दूंगा. तो माता पिता और गुरु, आप लोगों में से कुछ लोगों को मालूम होगा कि जन्म कुंडली में भी माँ का एक घर होता है, एक बाप का घर होता है, एक गुरु का घर होता है. आप लोगों को मालूम है, आप लोगों को मालूम होगा कि किसी भी बच्चे के डेवलपमेंट में एक माँ का बहुत बड़ा रोल होता है, बाप का बड़ा रोल होता है. जहां माँ नर्चर करती है, बाप सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है और गुरु ज्ञान से आगे लेके जाता है. अगर कोई भी एक घर आपका अगर कमजोर होता है तो वो बच्चा आगे नहीं जाता है. इसलिए क्या है कि आप सब बच्चों के लिए बता रहा हूं. आप बहुत छोटे हैं तो इनको समझ में नहीं आएगा, बट आप जो बड़े हैं ध्यान से सुनो. माता पिता और गुरु, इनको कभी नाराज नहीं करना. इनका आशीर्वाद ही आप लोगों के लिए बहुत है. ये आशीर्वाद आपको जिंदगी में आखिरी तक लेके चलेगा और यही आपकी किस्मत बनाएगा. और इस उपलक्ष में मैं एक बहुत एक खुशखबरी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं. हम लोगों का एक लक्ष्य रहा है हमेशा कि एक सर्वश्रेष्ठ शिक्षा देने की कोशिश की जाए और एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाए. हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, हमको मालूम है, मगर हम फिर भी पूरी कोशिश करते हैं. और इसके लिए मैं अपने सारे टीचर्स का दिल से धन्यवाद देता हूं.
और ये खुशखबरी पेरेंट्स के लिए है कि अगले स्तर के लिए फॉर द कमिंग ईयर द ग्रेट न्यूज इज दैट 25% ऑफ द स्टूडेंट्स विल नॉट हैव टू पे द फीस. सो दैट मीन्स कि 25% जो बच्चे हैं उनका फीस अगले साल से माफ है. तो आप पेरेंट्स को इस चीज की खुशी हुई कि नहीं हुई कि खाली बच्चे ही ताली बजाएंगे? आप लोगों को समझ में आया मैंने क्या बोला? पेरेंट्स, किसी को कोई क्वेश्चन है? हाँ, तो जितने भी हमारे पास में एडमिशन्स होंगे, जितने भी बच्चे हैं उनमें से 25% बच्चों को कोई फीस नहीं देनी होगी. इट वुड बी फ्री ऑफ कॉस्ट. सो ये आरे कॉलोनी में सिर्फ हमारा स्कूल रहेगा जहां पे 25% फ्री एडमिशन रहेगा. सो आपकी ट्यूशन फीस जो है वो पूरी की पूरी फ्री हो जाएगी. तो आप लोगों को इसके लिए कुछ जानकारी और लेनी हो तो राकेश सर से आप उसके लिए कॉन्टेक्ट करिएगा. सो ये स्टार्ट होगा फ्रॉम फर्स्ट ईयर, फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके ये स्टार्ट होगा. इसका पूरी जानकारी गवर्नमेंट की साइट पे भी है और आपको हमारी तरफ से राकेश सर पूरी इंफॉर्मेशन देंगे. चलिए, इससे ज्यादा मैं और आपको वेट नहीं करवाऊंगा. सो मेरा फिर से माता पिता को प्रणाम है. मैं अपने माता पिता को भी जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं आपके सामने आज खड़ा हो सका हूँ, एक स्कूल को हेड कर रहा हूँ, तो मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ. लास्ट फंक्शन में मेरे फादर मेरे साथ थे और उनको मैं अभी मिस कर रहा हूँ, अभी ये साल मेरे साथ नहीं है. तो मेरा प्रणाम है उनको. आवाज नहीं आ रही, अभी आ रही आवाज सबको? मेरी बात सबको समझ में आई पहले? ग्रेट. सो थैंक यू वेरी मच. सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट द प्रिंसिपल मैडम टू टेक ओवर एंड स्टार्ट द फंक्शन फ्रॉम हियर. वन नोट, हमारे चीफ गेस्ट शायद थोड़ा लेट हो गए हैं तो वो आते रहेंगे, तो उनके लिए हम बीच में थोड़ा सा 5 मिनट के लिए ब्रेक लेंगे जैसे ही वो आते हैं. थैंक यू सो मच. जीनत, कैन यू प्लीज? ग्रेट, प्लीज कम. गुड इवनिंग, आप सभी का बहुत 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 स्वागत है. थैंक यू सो मच. माय नेम इज भाग्यश्री मंडल और मैं सेकेंडरी सेक्शन की टीचर हूँ. मैं हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी बच्चों को पढ़ाती हूँ एंड मैं आप सभी का पहले स्वागत करना चाहूँगी. सबसे पहले हमारी आदरणीय प्रिंसिपल मैम, प्रिंसिपल सर, हमारे टीचर्स एंड माय डियर पेरेंट्स एंड माय लवली स्टूडेंट्स. आई एम सॉरी चेयरमैन सर. तो इस शाम को शानदार बनाने के लिए हमारे स्टूडेंट्स ने बहुत मेहनत करके बहुत प्रैक्टिस के साथ में इस शाम को शानदार बनाने की कोशिश की है. अगर उनसे कोई थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है तो मैं पेरेंट्स से आग्रह करूंगी कि वो उनके मिस्टेक्स को थोड़ा सा इग्नोर करें और उनको प्रोत्साहन दें. तो हम हमारे इस इवेंट की शुरुआत करेंगे गणेश वंदना से. जैसा हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में किसी भी नए काम को शुरू करने के लिए गणेश वंदना से की जाती है, तो इस इवेंट को भी हम स्टार्ट करेंगे गणेश वंदना से. और इस
गणेश वंदना को स्टार्ट करने के लिए हमारे सेकेंडरी सेक्शन से स्टूडेंट्स स्टेज पर आ रहे हैं. प्लीज उनका जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए. धरती हे अंबर तुझे गुण गाती, हे तारे हे वारे तुझे नाम घेती. ही धरती हे अंबर तुझे गुण गाती, हे तारे हे वारे तुझे नाम घेती. विश्वाचा पालक तू नायक गणांचा, गुणातीत गुणमय तू गुरु ज्ञानदाता. विश्वाचा पालक तू नायक गणांचा, गुणातीत गुणमय तू गुरु ज्ञानदाता. पेरेंट्स और बच्चों से अनुरोध है कि वो अपने बच्चों को थोड़ा संभाल कर रखे, वो स्टेज के आगे ना आने दे और स्टेज पे ना चढ़ने दे. प्लीज इतना एक रिक्वेस्ट है आप सभी से. सो अभी हमारे नन्ही से छोटे मोटे बच्चे आने वाले हैं और उनका डांस परफॉर्मेंस है डांस का भूत चढ़िया. तो वो आज आपसे कहने वाले है बस खुद को बना ले अपना, बस खुद को बना ले अपना, सारा जमाना अपना बन जाएगा. तनिक खुद के साथ झूम के तो देखो, डांस का भूत चढ़ जाएगा. एवरीवन क्लैप. नचेगा दीवाना, वो देखेगा जमाना, वो बोरी सुबिया नासी पटिया.
drop it. चलिए दूसरे परफॉर्मेंस की तरफ बढ़ते हैं और इस परफॉर्मेंस को देने के लिए हमारे जूनियर केजी के स्टूडेंट्स तैयार हैं और उनके मैं नाम अनाउंस करना चाहूंगी, नैतिक, रुद्र, उमर, हंक, अहोक, अयान, अजान, विष्णु एंड अल्लाह। तो जोरदार तालियों से उनका स्वागत करते हैं। फना होके मोहब्बत में तेरा दीदार करना है, लस बन गई हो तुम मेरी, बस तुम्हारे लिए बन ठन के चलना है। क्या बात है, एवरीवन क्लैप फॉर द स्टूडेंट। चुपके से
चलिए एक जोरदार ताली, इतना उनसे ज्यादा जोश हो उनमें। थैंक यू। तो हमारे जो बच्चे स्टेज पे खड़े हैं, मैं उनके नाम से स्टार्ट करूंगी। अलीजा, एंजेलिना, महरून, तनिष्का। चिल्ड्रन मेंटेन साइलेंस, क्वाइट एवरीवन। श्रेया, वंशिका, मुग्नेशा, नुमिका, सुनीता। सो नाउ अभी हमारे जूनियर केजी के बच्चे हैं, वो डांस करने जा रहे हैं। उनके पर शायरी है, फना हो के मोहब्बत में तेरा दीदार करना है, फना हो के मोहब्बत में तेरा दीदार करना है, लत बन गई हो तुम बस तुम्हारे लिए बंटन के चलना है। एवरीवन क्लैप। Kudos to you all. Big round of applause for teachers also.
थैंक यू। हमारे जो नेक्स्ट परफॉर्मेंस के लिए आने वाले हैं वो भी हमारे सीनियर केजी के बच्चे हैं और मैं जूनियर केजी के बच्चे हैं। उनके नामों से मैं स्टार्ट करती हूँ। सोहेल, रिद्देश, श्रियांत, शिवराज, रिदिमा, स्पर्श, श्रेयस, स्वरा, अश्वी, वेदांत, स्वरिता टीचर, रिद्देश, तो इन सब के लिए जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। रिद्देश, दुनिया उसी के कदमों में झुकती है जो पहचान छोड़ जाता है। दुनिया उसी के कदमों में झुकती है जो पहचान छोड़ जाता है। जैसे शेर जिस भी जगह पर गुजरे अपने निशान छोड़ जाता है। क्लैप एवरीवन। स्टेज पे परफॉर्म करने के लिए अद्विका, रिया, एंजल, श्रावणी, रजिया, आरुही, वृद्धि, गार्गी, अशिका, सोनम और सरस्वती यहाँ पे प्रेजेंट है। तो शुरू करते हैं एक जोरदार तालियों के साथ में। एवरीवन क्लैप प्लीज। खुशबू बनकर उसकी सांसों में घुल जाना है, सुकून बनकर उसके दिल में समा जाना है। दोस्तों के जैसे निभाई है दोस्ती, बस इसीलिए अभी तो बन्नो नाचेगी। एवरीवन क्लैप। थोड़ी मेहंदी लगने से पहले, थोड़ी ढोलक बजने से पहले, पैरों में पायल बंधने से पहले,
हमारे चीफ गेस्ट इस इवेंट के लिए पधार चुके हैं, तो रजनी सर उनके लिए कुछ शब्द बोलना चाहेंगे। थैंक यू सो मच। आज ये मुझे आपका साथ में शेयर करते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि एक महान शख्सियत हमारे साथ में मौजूद है यहाँ पे, और उन्होंने कुछ लम्हे निकाले हैं हमारे साथ शेयर करने के लिए, तो उनको मैं यहाँ पे इनवाइट करना चाहूँगा। और इनवाइट करने से पहले मैं चंद शब्द उनके बारे में आपके साथ में साझा करना चाहता हूँ कि डॉक्टर चंदर परसवानी जी एक समाज सेवक है। एक जोरदार तालियां हो जाए चंदर परसवानी जी के लिए। थैंक यू। सो डॉक्टर साहब हमारे एक समाज सेवक है, इनका नाम नेशनल लेवल तक गया है, इनके काम जो है समाज सेवा में काफी ऊपर तक हैं। इनके पास में अपनी मेडिकल की टीम है 10 डॉक्टर्स की, और सारा काम फ्री करते हैं। जिसको भी डॉक्टर्स में मेडिकल में जरूरत होती है तो इनकी टीम वहां पे मौजूद रहती है। इसके अलावा ये लायंस क्लब के प्रेसिडेंट हैं, तो चैरिटी में इवेंट्स लगातार इनके बैक टू बैक चलते रहते हैं। तो ऐसे शख्स जो अपनी जिंदगी दूसरों के लिए, अब दूसरों की सेवा के लिए समर्पित करते हैं, ऐसे शख्स के लिए एक बार और जोरदार तालियां होनी चाहिए, ताकि हम उनसे प्रेरित हो और प्रेरित होके हम सब इस चीज को अपनाने की कोशिश करें, उनसे जुड़ें। इनका परिचय सा खाली यहां तक लिमिटेड नहीं है। एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ था पीएमसी बैंक का, शायद आप लोगों को मालूम होगा, उसमें काफी लोगों ने आत्महत्या तक करी। तो उस हालात में डॉक्टर साहब सामने आए और उन्होंने बहुत लोगों की मदद करी, और जिसके के लिए उनको एक नेशनल अवार्ड भी मिला, और इसके लिए उनकी एक किताब भी छपी। तो मैं इनवाइट करना चाहूंगा डॉक्टर साहब को स्टेज पे कि वो आए और कुछ चंद शब्द ज्ञान के हमारे बच्चों के लिए यहाँ पे साझा करें। डॉक्टर साहब प्लीज। तालियां हो जाए। जीनत एक जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं डॉक्टर चंदर परसवानी। सर प्लीज शेयर फ्यू वर्ड्स बिफोर आई स्टार्ट। गणपति बाप्पा, गणपति बाप्पा, गणपति बाप्पा। जैसे आपको पता होगा हमारी जो प्रथा है उस हिसाब से मैं शुरू करता हूं। हिंदी स्वराज्य संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज, भारतीय संविधान के शिल्पकार डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर, भारतीय स्त्री शिक्षण के प्रणेते महात्मा ज्योतिबा फुले, भारतीय इतिहासातील उत्तम योद्धा असलेले छत्रपति शाहू महाराज यांच्या सारखे समाज सेवक या महाराष्ट्रात पावन भूमीत होऊन गेले। सर्वात आधी या महाराष्ट्र भूमीला मी प्रणाम करतो। सगळ्यांना प्रणाम करा महाराष्ट्र भूमीला। इथे उपस्थित असलेले मान्यवर मान्यवरांना आणि अधिकारी वर्गांना आणि कर्मचारी वर्गांना ही माझा प्रणाम, और आप नन्हे से प्यारे बच्चों के लिए शत शत प्रणाम। आप हमारे देश के भविष्य हैं। आप लोगों को बहुत कुछ आगे सीखना है। मैं आप लोगों को एक मंत्र बताता हूं, सक्सेस क्या होती है। इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जरिए ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो सारी कायनात उसे मिलाने में लग जाती है। अगर आप सब लोग चाहो
किसको डॉक्टर बनना है हाथ ऊपर करो, किसको इंजीनियर बनना है हाथ ऊपर करो, किसको सेलिब्रिटी बनना है हाथ ऊपर करो, किसको फिल्म लाइन में आना है हाथ ऊपर करो। कोई फील्ड खराब नहीं है, आप जिस फील्ड में जाओ सिर्फ आपको प्रण लेना है कि मैं ये करूंगा और बिलीव मी आप वो करोगे और हमारे देश का नाम रोशन करोगे। हमारे मोदी साहब बोलते हैं मानव सेवा सबसे बड़ी सेवा है और मैं कोशिश करता हूं मानव की सेवा करने की, और इसीलिए मैं बहुत सारे एनजीओ से भी जुड़ा हुआ हूं, जैसे लायंस क्लब इंटरनेशनल है वहां पे मैं डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन हूं, फिर हमारे विश्व सिंधी सेवा संगम है वहां पे मैं हमारी सिंधी बोली को जो हमारी सभ्यता है हमारा कल्चर है उसको लोग बहुत सारे लोग भूल रहे हैं, अंग्रेजी बात करते हैं, हम चाहते हैं कि वो अपने घर में एटलीस्ट सिंधी बात करें। तीसरी बात, मैं भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़ा हुआ हूं, मैं महाराष्ट्र प्रदेश का संयोजक हूं, वहां पे ये जो स्कैम हुआ था जिसमें 9 लाख खातेदार थे, 9 लाख खातेदार गणपति बाप्पा के आशीर्वाद से सेफ हुए क्योंकि उसका प्रण लिया था हमने कि हर एक खातेदार को पैसे दिलाएंगे, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा, फाइनेंस मिनिस्ट्री तक जाना पड़ा, निर्मला सीतारामन जी से मिलना पड़ा, लेकिन वो सब किया गणपति बाप्पा की आशीर्वाद से, सब लोगों को पैसे सुरक्षित हुए, सबकी जान भी बची पैसे भी मिले। मैं आप बच्चों को पुरस्कृत करता हूं कि ये आप जो कल्चरल एक्टिविटी चंद्र प्रभा स्कूल जो कराता है आपको, इसमें आप लोगों को जितना ज्यादा सहयोग करना है करिए। अगले वर्ष मैं प्रमाण करता हूं आपको 10 अवार्ड मैं दूंगा अपनी तरफ से, धवन जी ये मेरा वादा है आपको। और ये बच्चों जो है, मुझे हर एक बच्चे के हाथ में एक ट्रॉफी चाहिए, वही 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 चाहिए, अगर बच्चे आगे बढ़ेंगे हमारा देश आगे बढ़ेगा। शुक्रिया, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। Like to invite Principal Madam to honor our Chief Guest Dr. Saab. Dr. Saab ने आके अपना मूल्यवान समय हमें दिया है, इतनी ज्ञान की बातें हमारे साथ की है, हम सबको उनका बहुत शत शत धन्यवाद करना चाहिए। से थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर, वी आर रियली ऑनर्ड। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। शुक्रिया, थैंक यू। तो स्टेज पर अभी हमारे प्रेजेंट हैं विक्रम, सार्थक, फरहाज, राज, शुभ, शिवम, युवराज, निशंग, रौनक एंड लक्ष्य। उनकी छत पर गए थे हम कटी हुई पतंग लूटने, उनकी छत पर गए थे हम तू कटी हुई पतंग लूटने, पगली ने नजर मिल गई तो कहने लगी देखो दिल से पतंग उड़ उड़ जाए। एवरीवन क्लैप। उड़ी उड़ी जाए,
थी खबर इसकी, मेरे मन के सिंहासन पर तू सदा को यूं विराजेगा। कोई भी कठिनाई हो या कोई हो मजबूरी, तेरी मेरी एक भी पल हो वे नहीं दूरी। माथे से दुपट्टी ये कदम जुड़ी जुड़ी जाए, प्लीज। मैं एक चीज बोलना भूल गया कि डॉक्टर साहब आरे के रस्ते के लिए बहुत काम कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। तो मैं ये निवेदन करना चाहता हूं आप सबको भी कि जरा अपनी तरफ से भी जोर लगाइए कि आरे के जो रस्ते हैं जल्दी बने, नहीं तो बारिश आते आते मालूम चला कि आरे के रस्ते ही खराब हो गए और हम लोगों का आना जाना पूरा ही बंद हो जाएगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है चंदर साहब, क्योंकि आप बीजेपी में भी हैं, तो जरा आरे का रास्ता जल्दी बनवाइए। आप संघर्ष कर रहे हैं हमको मालूम है। तो माय रिक्वेस्ट लुकिंग फॉरवर्ड, तो आपकी तरफ से प्रॉमिस है कि हमको मिल जाएगा फटाफट। थैंक यू, थैंक यू सो मच सर। तो अगली परफॉर्मेंस के लिए हमारे स्टूडेंट्स तैयार हैं, तो मैं उनके नाम अनाउंस करना चाहूंगी। आशी, कल्याणी, इनाया, लावण्या, प्रणिका, अलीना, आकांक्षा, विद्या, माहिरा, विद्या, सोम्या, प्लीज आप सब स्टेज पे आए। दिल ही दिल में कुछ छुपाती हो तुम, दिल ही दिल में कुछ छुपाती हो तुम, जादू में अक्सर मेरा चैन चुराती हो तुम। ना जाने कहाँ से ये जादू सीख रखा है, और लोग कहते हैं दिल ले गई ले गई। एवरीवन क्लैप।
कार्ड किसके पास है? बहुत जोर से तालियां बजनी चाहिए हमारी प्यारी बच्चियों के लिए। Slap right across your face. Yeah. Take care. Gonna get you good. स्वागत कीजिए तालियों से। इन बच्चों के लिए एक शायरी बोलना चाहूंगी। ना हम कुछ कह पाते हैं, ना वो कुछ कह पाते हैं, एक दूसरे को देखकर गुजर जाया करते हैं। कब तक चलता रहेगा ये सिलसिला, हम तो तेरी याद में लुटपुट जाते हैं। तो चलिए एक नए गाने के साथ में शुरुआत करते हैं डांस परफॉर्मेंस की। पुटिया जाऊंगा तेरे इश्क में गोते खाऊंगा, ओ मनु मैं तो गया। तेरे दिल में कंट लगाऊंगा, हुन पिंड ना वापस जाऊंगा, ओ मनु मैं तो गया। बंदा जीता था खुल के, तेरी गली में आया भूल के जी, चंगा भला सी मैं लुट पुट गया। मैं तो लुट पुट गया, लुट
जाग कर ख्वाब तेरे देखूं, ऐसा क्यों मैं तन्हा तन्हा रहता था, अब बेगानों से भी पूछूं हाउ डू डू, ऐसा क्यों है दिल तन्हा इमोशन पूछता है मैनू क्वेश्चन की चंगा भला सी क्यों लुट पुट गया मैं तो लुट पुट गया बंद करो जी, एक बार वीजा लग जाए उसके बाद तार लेना। थैंक यू मेरे नन्हे शाहरुख खान, आप फ्यूचर सेलिब्रिटीज, बिग हैंड फॉर देम। फर्स्ट स्टैंडर्ड से हमारी गर्ल्स आ रही हैं, उनका नाम है खुशी, महिमा, प्रियल, आरुषि, श्रेया, आराध्या, यास्मीन एंड रूही। एवरीवन क्लैप। कमाल दिसते ती सारीवर, पण तीचे लक्ष नसते कुणावर, आणि ती बोलते मला पाहिजे नऊवारी सारी। लावणार फक्त तुझ्या नावाच, हाय तुझ्या हाताने मांग भरून दे, सुखा दुःखाची साथी तुझी होणार, हाय तुझ्या हाताने घास भरून दे, कुंकू लावणार फक्त तुझ्या नावाच, हाय तुझ्या हाताने मांग भरून दे, सुखा दुःखाची साथी तुझी होणार, हाय तुझ्या हाताने घास भरून दे, तू फक्त बोल कुठली गाडी पाहिजे, हिरो होंडा की ऑडी पाहिजे, होटाची लालीनी कानाची पाली की हातात सोन्याची घडी पाहिजे, नको मला बंगला नको गाडी पाहिजे, राजा मला नऊवारी साडी पाहिजे, नको मला बंगला नको गाडी पाहिजे, राजा मला नऊवारी साडी पाहिजे, नको मला बंगला नको गाडी पाहिजे, राजा मला नऊवारी साडी पाहिजे। सजून धजून इंस्टावर रील करते तुझ्यासाठी, कशी तुला सांगू किती फील करते तुझ्यासाठी, माझ्या मागे लाखो हजारो लागले तरी आहे बावरी मी फक्त राजा तुझ्यासाठी, मी कुठे बोलते की मॉल मला घेऊन चल, कुठे पण चालेल चल टाउन मला घेऊन चल, लाडाना घेऊन दे मस्त तुझ्या हाताने, शोभून दिसली आपली जोडी पाहिजे, एक नाही राजा मला जोडी पाहिजे, राजा मला नऊवारी साडी पाहिजे, नको मला बंगला नको गाडी पाहिजे, राजा मला नऊवारी साडी पाहिजे, नको मला बंगला नको गाडी पाहिजे, राजा मला नऊवारी साडी पाहिजे। ज्योति टीचर, ज्योति टीचर, अभी फर्स्ट स्टैंडर्ड से मेरे स्टूडेंट आ रहे हैं, श्रेयांशु, आयु, अभी, चिरा, कल्पित, कृष्णा एंड पार्थ। दिल विच तेरी याद सजाना, अख विच तेरा ख्वाब सजाना, तेनू याद कित बिन नींद ना आवे, साड़ी आँख तेरे ख्वाब दी मोहताज हो जावे। तो चलिए बच्चों का जोरदार से तालियों के साथ में स्वागत स्वागत करते हैं।
ਦਿਸ ਦਾਨ ਮੈਂ ਲਾਇਆ ਬੜਾ ਦਿਲ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾਨ शुरुआत करते हैं हमारे सेकंड स्टैंडर्ड के प्यारे प्यारे बच्चों के परफॉर्मेंस के साथ में। प्लीज स्टेज पर आए। तो इस परफॉर्मेंस को देने के लिए आ रही हैं श्रीनिका, त्रिशा, रिद्धि, रिया यादव और रिया मूर्ति। सो मेरे जिंदगी के मालिक मेरा दिल के हाथ रख के मेरे जिंदगी के मालिक मेरे दिल पे हाथ रख के तेरे आने की खुशी में नचते सारे हिल डुल के एवरीवन क्लैप। मुंडा थोड़ा ऑफ बीट है पर कुड़िया दे नाल बहुत स्वीट है। मुंडा थोड़ा बीट है पर गुड़िया देना बहुत स्वीट है। ढोंगी सा ये बड़ा ढीट है वायरल हो गया ये ट्वीट पर फूल वूल करने में कूल तू बड़ी तेज कटारी है। शगन तेरी के लगन तेरी के हमने कर दी तैयारी है। नचते ने सारे रंग मिलके आज हिले डुल के ले सारे के सारे नजारे। नचते ने सारे रंग मिलके आज हिले डुल के ले सारे के सारे नजारे। खसमानों का ने अल्लू बड़े करारे तो रमना लालू बड़े करारे चढ़ चढ़ के चौबारे तो रमना स्वीटू हमने सारे मनाने आ।
गाने बजाने रुटडे रुटडे जीजा फुफड़ हमने सार मनाने हर फूल फूल करने में कूल तू बड़ी तेज कटारी है शगन तेरी की लगन तेरी की हमने कर दी तैयारी है नच देने सारे नच देने सारे नच देने सारे लाल मिल के सेकेंड परफॉर्मेंस सेकेंड क्लास के स्टूडेंट्स हैं ऋषि अरीज फैजान प्रणव मनस्व एंड तन्मय जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए इन सभी का चूड़ी पायल बिंदिया काजल गजरा सब पड़े रहने दो चूड़ी पायल बिंदिया काजल गजरा सब पड़े रहने दो खींच बांधो जुल्फों की और एक लट गाल पे रहने दो और ये लड़कियां देखकर कहते हैं रमैया वस्तावैया हो Dance with me now, I can't break away. Aaj saari fikre tu shake away, dil ki rakta dance wale groove pe. Naachu main tu step mera wake away, wake away. Aaj saare kaam kal pe dal ke. जया जया रे अब करता तैयार रमैया वस्तावैया रमैया वस्तावैया सेकेंड आफसीन अर्शिया जेसिका देविका हसीमा सद्दाम
Samiran, Sumiran, Arpit and Arjun. मुसीबत है जो तेरा झुमका, मुसीबत है जो तेरा झुमका, गालों पे झूल गया कहने आया। तुम पहली दफा मेरा रास्ता रोका, रोका था और अब कहती हो व्हाट झुमका। राय बरेली में तो बीच बाजारी जब हुस्न दिखाने जाएगी, होश उड़ाने वाली शोख नजर के जो पेच लड़ाने जाएगी। राय बरेली में तो बीच बाजारी जब हुस्न दिखाने जाएगी, होश उड़ाने वाली शोख नजर के जो पेच लड़ाने जाएगी। अरे बहन के इतना जेवर कहना, तेज हवा से बच के रहना, गिर जाए तो फिर ना कहना झुमका गिरा दे। हाय झुमका, ओए झुमका, हाय झुमका झुमका। व्हाट झुमका, व्हाट झुमका, व्हाट झुमका। तू कसम से उतना फेक है, तू पड़ गया क्यों गले तुम झल की तरह। अरे चिपक के सल्लू टेप जैसा लगा हुआ है चेप जैसा, ना किसी काम का निठल की तरह। बस ढूंढ रहा है मौका, खुल के मारेगा चौका, बाई चांस किसी लड़की का जहां झुमका गिरा रे। चलिए शुरुआत करते हैं थर्ड स्टैंडर्ड के परफॉर्मेंस से। तो स्टेज पर अभी मौजूद है सोहेब, करण, अयान, जैद, रोहित, नैतिक, रोहन, अनमोल, अंश एंड हर्ष। तो इन सबका जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। वक्त का परिंदा कहाँ थमता है, वक्त का परिंदा कहाँ थमता है, ये खुले आसमान पे बस उड़ना फिरता है। ठहरा कभी किसी के वास्ते, ठहरा कभी किसी के वास्ते, बस लेके प्रभु का नाम जिया करता है, बस लेके प्रभु का नाम जिया करता है। एवरीवन क्लैप।
चले अब करना है कुछ काम और म्यूजिक म्यूजिक स्टार्ट करो भाई लेके लेके ये प्रभु का नाम और म्यूजिक म्यूजिक स्टार्ट करो भाई लेके 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 प्रभु का नाम लेके प्रभु का नाम 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 लेके प्रभु का नाम 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 लेके प्रभु का नाम स्टैंडर्ड थर्ड से आसमा नंदिनी निकिता आराध्या निकिता प्राची श्रेयांशी वेदिका इन सभी के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें। सजा दो घर को गुलशन सा सजा दो घर को गुलशन सा अवध में राम आए हैं लगे कुटिया में दुल्हन सी मेरी लगे कुटिया दुल्हन सी मेरी मेरे घर राम आए हैं। एवरीवन क्लैप। मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं बजाओ ढोल स्वागत में मेरे नेक्स्ट परफॉर्मेंस के लिए हमारे फोर्थ स्टैंडर्ड के बच्चे आ चुके हैं उनमें से है आदित्य देवांश दीपेश कार्तिक ऋषि रिमंश एंड साईनाथ उन सब के लिए जोरदार तालियां। भांग से सजी है सूरत तेरी करू कैसे इसका गुणगान भांग से सजी है तेरी सूरत करू कैसे इसका गुणगान जब हो जाएगी आंख मेरी लाल तभी लोग कहेंगे जय जय शिव शंकर।
गलती वो छोड़ लो। परफॉर्मेंस को के बच्चों को स्टेज पे बुलाते हैं। तो स्टेज पे आ रही हैं अनन्या, आराध्या, अक्षय, ध्रुविका, मुस्कान, सबीना एंड तजीन। मुंह मत छुपाओ पर पल्लू रहने दो, राजस्थान की तस्वीर है इसे जिंदा रहने दो, देश की पहचान को हवा में न बहने दो, अपनी सभ्य संस्कृति अगर है तो इसे सभ्य रहने दो। Thank you.
थैंक यू थैंक यू पेरेंट्स प्लीज बच्चों का प्रोत्साहन बढ़ाइए तालियां मार के प्लीज बच्चों ने बहुत मेहनत की है छोटे हैं लेकिन काफ़ी मेहनत के लिए उनके लिए तो बहुत ज़्यादा मेहनत हो गई तो प्लीज़ आप तालियां बजा के उनका प्रोत्साहन बढ़ाइए यस थैंक यू सो मच तो चलिए शुरुआत करते हैं सेकेंडरी के स्टूडेंट्स के साथ में तो सबसे पहले मैं फिफ्थ स्टैंडर्ड के बच्चों को स्टेज पे बुलाना चाहूँगी ग्रिशा गायत्री फातिमा ध्रुत्या रिया फरहान एंड यश तो जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए भी बारिश नहीं हुई मैं अपना कर्ज कैसे चुकाऊंगा मेरे पास बस एक ही रास्ता बचा है सुखी के पापा भी उसे छोड़ के चले गए हरिया काका कमली के पापा कहीं मेरे बाबा भी है सुना ये पूरी धरती तू चलाता है मेरी भी सुन ले अरज मुझे घर बुलाता है भगवान है कहाँ रे तू है खुदा है कहाँ रे तू है सुना तू भटके मन को राह दिखाता है मैं भी खोया हूँ मुझे घर बुलाता है भगवान है कहाँ रे तू है खुदा है कहाँ रे तू
आप सभी के लिए हमारे स्टूडेंट्स ने एक सरप्राइज डांस प्लान किया है सेकेंडरी सेक्शन के कुछ बच्चों ने मिलकर के, और वो अभी स्टेज पे आ रहे हैं। प्राची, कशिश, हंसिका, प्रचिति, काव्या एंड सेजल, प्लीज उनका जोरदार तालियों से वेलकम कीजिए। टोंडा तुमचा टेंड ते इते गाऊ नका, देखवाची इंग्रजी इते अजमाऊ नका। टोलकी आणि लेझिमला कोणी तोड नाही, ज्याला माहित नाही लावणी त्याला मराठी म्हणू नका। विडा का उगा
आमचा बैल गाडा के लिए रेडी है। तो अभी तो आपने महाराष्ट्र की शान देख ली, तो चलिए जरा हम साउथ भी घूम कर आते हैं। तो मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगी सोनम, तन्वी, सेजान, जीवा एंड अंकित। हर एक रूह प्यासी है, हर एक दिल सवाली है, लेकर जान मेरी जाएगा तू ही, बस तेरे नाम से भी मेरी हर कव्वाली है। Kavala, kavala,
तो चलिए शुरुआत करते हैं दूसरे गाने के साथ। तो अब हम हमारे फिफ्थ स्टैंडर्ड के बच्चे बॉलीवुड डांस आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहे हैं। आप सभी को पता होगा कि हमारा इंडिया बॉलीवुड के लिए कितना ज़्यादा फेमस है, तो चलिए एक बॉलीवुड डांस भी देख लेते हैं। तो शुरुआत स्टेज पे बुलाना चाहूँगी सर्वेश, फरहान, चिन्मय एंड गायत्री। यू तो तेरी मेरी बातें अनगिनत है, कुछ रंगों से भरी तो कुछ रंगहीन है। नज़र का मिलना, धड़कन का बढ़ना, सारे जज्बात रंगीन है। यू तो तेरी मेरी बातें अनगिनत है, कुछ ही किस्से हैं जो रंगों से भरे रंगीन हैं। चुके हैं आर्यन, रौनक, प्रशांत, आरुष, वर्ध और अयान। और ये स्टैंडर्ड सेवेंथ, एट्थ एंड नाइन्थ तीनों का मिक्स ग्रुप है। बाजुओं का है ताल देकर अर्जुन सा वो, बाजुओं का है ताल देकर अर्जुन सा वो, बनकर रण में है उतरता मुरलीधर का छल बनकर, मुरलीधर का छल बनकर। अरे दुश्मन आसू दे, गनीम आसू दे, किती भी हुशार, अरे दुश्मन आसू दे, गनीम आसू दे, किती भी हुशार, शिवरायांच्या बुद्धियुक्तीचा लागना पार, शिवरायांच्या बुद्धियुक्तीचा लागना पार, हे लागना पार, लागना पार, अरे लागना पार, लागना पार, हे शिवरायांच्या बुद्धियुक्तीचा लागना पार। हा सांगता नाही। अरे मग काय गड्या हो, क्यों बसला है ना गनीम,
येडा मांडुनिया लईये झाली अन मुघलांनी नजर वाकडी गेली मग राजाने काय केलं काय केलं महाराज राजांनी आता युगत मांडली काय मांडली अरे युगत मांडली युगत मांडली युगत मांडली युगत मांडली युगत मांडली अरे युगत मांडली राजन युगत मांडली युगत मांडली युगत मांडली बगा बगा युगत मांडली राजांनी आता युगत मांडली शूरायांनी युगत मांडली महाराजांनी युगत मांडली अशी ही युगत राजांनी मांडली पंतची चुपान राजांनी झाली हिंदीच्या खेम्यात पंत तोची भेन शिवप्रसवत भेटाया येणार सुलूक होणार हो शिवप्रसवत भेटाया येणार सुलूक होणार हो सवत भेटाया येणार सुलूक होणार हो हरी हरी हो मारू द्यावा नाही सुलूक होणार आता राजांच्या मनीच कुणाला ठाव आव तुम्हाच नाही ठाव नाही असं झालंय वय नाही अरे खरंच नाही मला फक्त एवढंच ठाव की बघा 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 युगत मांडली राजांनी आता युगत मांडली शिवरायांनी युगत मांडली आता महाराजांनी युगत मांडली राजांना काहीतरी युगत मांडली सिद्धीची आता वाटू दे त्याला राजाने त्याला कसा हरवला कसा आपटला कळण त्याला हो 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 म्हणून राजा आपला भारी देव मराठ्यांच्या घरी जसा महाभारत संगरी किसन देव झाला आणि म्हणून सांगतो अरे दुश्मन असू दे गनिम असू दे किती बी हुशार शिवरायांच्या बुद्धियुक्तीचा लागना पार शिवरायांच्या बुद्धियुक्तीचा लागना पार शिवरायांच्या बुद्धियुक्तीचा लागना पार ये लागना पार लागना पार अरे लागना पार लागना पार शिवरायांच्या बुद्धियुक्तीचा लागना पार शिवरायांच्या बुद्धियुक्तीचा लागना पार शिवरायांच्या बुद्धियुक्तीचा लागना पार तो चलिए अगले परफॉर्मेंस से शुरुआत करते हैं अभी तक हमने डिफरेंट डिफरेंट डांस परफॉर्मेंस दिए देखे थे अब हम एक एक्ट देखने जा रहे हैं कि किस तरीके से सोशल मीडिया हमारे ऊपर हावी होते जा रहा है तो मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगी चिन्मय अरहान यश मिहिर दीपेश द्रुत्या गायत्री सेजन एंड रिया को लोग सोशल मीडिया के फायदे कितने उठाते हैं लोग सोशल मीडिया के फायदे कितने उठाते हैं इंस्टाग्राम फेसबुक व्हाट्सएप की लास्ट सीन बंद करके दोस्ती इंस्टाग्राम फेसबुक एंड व्हाट्सएप पर बच्चों की ज़िंदगी खराब करते हैं बच्चों की ज़िंदगी खराब करते हैं आ गए तुम लोग मिलना चाहोगे मेरे साथियों से तो देखो जी हाँ मैं हूँ व्हाट्सएप पूरी दुनिया मेरी गिरफ्त में है बच्चा बूढ़ा या जवान सब दीवाने हैं मेरे गूगल गूगल नाम है मेरा मैं वो भी जानता हूँ जो तुम्हारा भगवान भी नहीं जानता फेक वर्ल्ड का बादशाह हूँ मैं बादशाह Aarey.
नाचीज को टिकटॉक कहते हैं। नेता, अभिनेता, खिलाड़ी, बच्चा, कोई मेरे आगे टिक नहीं सकता। मैं इंस्टाग्राम हूँ, मैंने सबको पागल करके रखा है, स्पेशली उन युवाओं को, उसको, उसको और इसको भी। और मुझे तो आप लोग जानते ही होंगे, मैं हूँ फेसबुक, मुझसे ही तो ये सोशल मीडिया का दौर शुरू हुआ है। सुना है वो दिन दूर नहीं जब आपकी ये दुनिया हमारे इशारों पर नाचेगी। तो चलो देखो। मम्मा मम्मा, मेरा कल एग्जाम है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, प्लीज मम्मा आप पढ़ा दोगे? क्यों बेटा, तुम्हारे टीचर ने कुछ नहीं समझाया क्या? मम्मा मम्मा, समझाया तो था पर मैं भूल गई। बेटा मैं तो भी बहुत बिजी हूँ, तुम पापा के पास जाकर पूछ लो ना। ओके मम्मा। पापा कल मैथ्स का एग्जाम है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप पढ़ा दोगे प्लीज? बेटा आई एम ऑलरेडी गेटिंग लेट, मुझे ऑफिस का काम है, मैं आकर पढ़ाता हूँ। ओके पापा। पापा अब तो आप मुझे पढ़ाओगे ना? बेटा मैं बहुत थक गया हूँ और ऑफिस का काम भी है, तुम मम्मा के पास चली जाओ। ओके पापा। मम्मा मम्मा मम्मा, मुझे थोड़ा सा तो पढ़ा दीजिए प्लीज। ओके ठीक है बेटा, आप अपने कमरे में जाओ, मैं वहीं आती हूँ। ओके मम्मा, मैं वेट करती हूँ। ओ गॉड, मम्मा को कितना देर हो गया, मम्मा तो अब तक नहीं आई, क्या करूं? मैं तब तक मेल पे सर्च ही कर लेती हूँ। देखो एक और शिकार, इसे भी अपने जाल में फंसाते हैं। नादान लड़की, तुम मेरी जाल में पूरी तरह से फंस चुकी हो कि तुम मेरा शिकार हो चुकी हो। मेरा नया शिकार। रात दी गल सुनियो सुनियो वे, रात दी गल सुनियो सुनियो वे, कोई ना चार चुफेरे, पिछे ना मुड़ियो मुड़ियो वे, पिछे ना मुड़ियो मुड़ियो वे, राता दे काले काले चेहरे डर डाडा डसे वे, और मंजिल हसे वे, आहट से डरियो डरियो वे, आहट से डरियो डरियो वे, खौफ के अंदर लग गए डेरे, हौले से चलियो चलियो वे, हौले से चलियो चलियो वे, रत्ता दे काले काले चेहरे डर डाडा डसे वे।
ऐसा क्या हुआ? तुम खड़े खड़े क्या देख रहे हो? डॉक्टर को जल्दी फोन करो। डॉक्टर साहब जल्दी आइए, पता नहीं मेरी बेटी को क्या हो गया है। एक और शिकार, तुम्हारे 5,000 FB फ्रेंड होंगे लेकिन तुम्हारे एक भी फ्रेंड तुम्हें बचा नहीं सकते। देखिए, घबराने और चिंता करने की कोई बात नहीं है। सोशल मीडिया का ज्यादा उपयोग करने से आपके बच्चे की ये स्थिति हुई है। अभी उसे अपने पन की जरूरत है। आप उसे ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट कीजिए ताकि वो अपने रियल फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिता सके। इसी से उसकी रिकवरी जल्दी होगी। ओके डॉक्टर, थैंक यू। कैसा वक्त आ गया है, हम अपने रिश्तों से ज्यादा वक्त सोशल मीडिया को दे रहे हैं। भूल जाते हैं वो खुशियाँ जो अपनों के साथ रहने में है। दूसरों की तकलीफों का मजाक बना देते हैं और अपनी तकलीफों का स्टेटस बना लेते हैं। हम इतना जरूरत से ज्यादा उपयोग करते हुए भूल रहे हैं कि सोशल मीडिया ही हमारा उपयोग कर रहा है। घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला। तेरी जुनू की आगे अंबर पनाहें मांगे, कर डाले तू जो फैसला। टूटी तकदीरे तो क्या, टूटी शमशीरे तो क्या, टूटी शमशीरों से ही बेटा, मोबाइल की क्या जरूरत है, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ तुम्हारा प्रोजेक्ट बनाने में। हर मैदान फतेर बंदिया, हर मैदान फतेर। द क्रेडिट फॉर दिस शो गोज टू भाग्यश्री टीचर, उन्होंने बहुत मेहनत की है और आज के समय की रियलिटी है कि चाहे मम्मी हो, पापा हो या बच्चे हो, सब मोबाइल में फंसे हुए हैं। तो हमारा मैसेज यही है कि मोबाइल से बाहर निकलिए और रिश्तों को महत्व दीजिए। थैंक यू। तो अब हमारे 7th स्टैंडर्ड की गर्ल्स आने वाली है। मैं स्टेज पर बुलाना चाहूँगी हंसिका, काव्या, रिशा एंड प्राची। इन सब के लिए जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। पेरेंट्स, जोश में कभी नहीं होनी चाहिए, जोरदार तालियों से। और हमारे बॉयज नरपत एंड सुफियान। सादगी को ही उसने खूबसूरती बनाई थी, सादगी को ही उसने खूबसूरती बनाई थी, आंखों में शर्म लिए पलके झुकाई थी। यार उसका रूप कयामत कैसे नहीं ढाता, साड़ी पहने माथे पे बिंदी लगाई थी, साड़ी पहने माथे पे बिंदी लगाई थी। साड़ी के फॉल सा कभी मैच किया रे, कभी छोड़ दिया दिल, कभी कैच किया रे। साड़ी के फॉल सा कभी मैच किया रे, कभी छोड़ दिया दिल, कभी कैच किया रे। टच करके टच करके टच करके टच करके कहाँ चल दी, बच करके टच करके टच करके टच करके दिल से दिल
अटैच किया रे, कभी छोड़ दिया दिल कभी कैच किया रे, साड़ी के फॉल सा कभी मैच किया रे। स्क्रैच किया रे, कभी छोड़ दिया दिल कभी कैच किया रे, साड़ी के फॉल सा कभी मैच किया रे, कभी छोड़ दिया दिल कभी कैच किया रे, साड़ी के फॉल सा कभी मैच किया रे। नाइस परफॉर्मेंस चिल्ड्रन, कम ऑन पेरेंट्स, अ राउंड ऑफ अप्लॉज। क्या आप सभी को मजा आ रहा है? क्या आपने आपके बच्चों की मेहनत दिख रही है? तो आपके आप सभी को पता है कि जैसे सब बच्चे मेहनत कर रहे हैं, रेडी हो रहे हैं, तो जस्ट हमें 5 मिनट्स का ब्रेक। ओके, एक सरप्राइज है आप सभी के लिए। तो अभी तक तो आपने चिल्ड्रंस की परफॉर्मेंस देखे, बट अब हम हमारे टीचर्स के परफॉर्मेंस स्टार्ट करते हैं। तो हमारी फेवरेट टीचर आ रही है परफॉर्म करने के लिए, वंदना टीचर, प्लीज क्लैप एवरीवन। हसीन दिल रुबा मिले तो दिल जवा निसार हो गया, जवान जान मन हसीन दिल रुबा मिले तो दिल जवा निसार हो गया, शिकार खुद यहाँ शिकार हो गया, ये क्या सितम हुआ ये क्या जुल्म हुआ, ये क्या गजब हुआ ये कैसे कब हुआ, न जानू मैं न जाने वो। जवान जान मन हसीन दिल रुबा मिले तो दिल जवान निसार हो गया। आई आई दूर से देखो देखो दिल रुबा ऐसी ऐसी तरत 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 खाई खाई बेजुबा नेक्स्ट आइटम है नेशनल इंटीग्रेशन, यानी अनेकता में एकता। हमारे भारत में कई प्रकार की भाषाएं बोली जाती है, हर प्रकार के डांस होते हैं, अपने अलग अलग प्रांत के डांसेस होते हैं, उनका भोजन अलग होता है, तो ये सारा माहौल
हमारे बच्चों ने एक नेशनल इंटीग्रेशन तौर पे मौजूद किया है, तो आप इसका एंजॉयमेंट लीजिए। अभी बच्चे आ रहे हैं। चाहे हिंदू मुस्लिम सिखो या ईसाई, चाहे हिंदू मुस्लिम सिखो या ईसाई, इश्क ने ना देखी कभी मजहब की खाई। उन परिंदों को सरहद भी कहाँ रोक सकी, उन परिंदों को सरहद भी कहाँ रोक सकी, जहाँ होता है भाईचारों बाजी इश्क की लड़ाई। नमस्ते नमस्ते, पहचाना मुझे? मैं माता हूँ, मैं भारत माता हूँ, वो माता जो अपने बच्चों की खुशहाली चाहती है, वो माता जो अपने बच्चों की तरक्की चाहती है। लेकिन आज मैं बहुत हैरान और परेशान हूँ, और इसकी वजह आज का बदलता परिवेश है। हाँ, मैं जानती हूँ कि समय के साथ सब बदल जाता है और यही प्रकृति का भी नियम है, लेकिन यह बदलाव मेरे पुत्रों को पतन के रास्ते ले जाते दिखे तो बहुत दुख होता है। कभी मैं गुलामी के जंजीरों में जकड़ी थी, मेरे सपुत्रों ने अपनी जान की बाजी लगाकर मुझे उन कठोर जंजीरों से मुक्त किया। तब मैं बहुत खुश थी, खुलकर हंस रही थी, मेरी खिलखिलाहट चारों ओर फैल गई थी। आँखों में भविष्य के सुनहरे सपने थे कि मेरा कोई बेटा अब भूखा और बेसहारा नहीं होगा, मेरी बेटियाँ अपने गौरव को पहचानेंगी और मान सम्मान से जिएंगी। लेकिन ये क्या, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे।
गुलिस्ता हमारा है, भारत हमको जहाँ से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्ता हमारा है। जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्ता हमारा है। नेक्स्ट परफॉर्मेंस है और उसे परफॉर्म करने आ रहे हैं सेवन स्टैंडर्ड्स के बॉयज, उनमें है सेजान, रौनक, अंकित, सूफियान, अजीज एंड रजत। उसूलों पर जहां आ चाहे टकराना जरूरी है, उसूलों पर जहां आ चाहे टकराना जरूरी है, बंदा जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है, बंदा अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। दिल नचना खुल के थिरकने से बचना। बस एक और लास्ट परफॉर्मेंस, उस परफॉर्मेंस को होने से पहले मैं आपको कुछ एक ज़रूरी बातें बताना चाहती हूँ। जैसे हम सभी जानते हैं कि बच्चों को ना पेरेंट्स या बोला जाए घर से थोड़ा सा प्रेशर मिलता है, राइट, कि पढ़ाई अच्छे से करो, अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे तो तुम्हें ऐसा किया जाएगा, वैसा किया जाएगा, तुम्हें डांट मिलेगी, तुम्हें पीटा जाएगा। बट ऐसे में एक स्टूडेंट को क्या प्रभाव पड़ सकता है इन बातों का और वो क्या क्या चीज़ें कर सकता है, वो रियलिटी को दिखाने के लिए सिक्स स्टैंडर्ड्स के बच्चे परफॉर्म करने वाले हैं और मैं स्टेज पे उनको बुलाना चाहूँगी। सोनम, तन्वी, नरपत, जीवा, संकेत, शिवम एंड ऋषभ। ये एक ऐसी कड़ी है जिसने चलाई जादू की छड़ी है,
ये एक ऐसी कड़ी है जिसने चलाई जादू की छड़ी है। जिंदगी में जो भी हासिल करने की पड़ी है, जिंदगी में जो भी हासिल करने की पड़ी है, उसके पीछे शिक्षा की छड़ी है, उसके पीछे शिक्षा की छड़ी है। कसके जूता कसके बेल्ट खोस के अंदर अपनी शर्ट, मंजिल को चली सवारी, कंधों पे जिम्मेदारी। हाथ में फाइल मन में दम, मीलों मील चलेंगे हम, हर मुश्किल से टकराएंगे, टस से मस ना होंगे हम। दुनिया का नारा जमे रहो, मंजिल का इशारा जमे रहो। ये सोते भी है टेंशन, आगे रहने की है टेंशन, मेहनत इनको प्यारी है, एकदम आज्ञाकारी है। दुनिया का नारा जमे रहो, मंजिल का इशारा जमे रहो। अरे क्या हुआ, इतनी टेंशन में क्यों है? एग्जाम्स आ रहे हैं यार। हाँ तो इस बार भी टॉप करना है, 98% तो लाने ही है, फिर ये शहर की टॉप की कॉलेज में एडमिशन भी हो जाएगा और आगे की पूरी प्लानिंग सेट है। अरे डोंट वरी, एग्जाम्स भी अच्छे जाएंगे और हम टॉप भी कर लेंगे, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। एग्जाम्स के डिप्रेशन में कोई लाइफ जीना भूल जाता है क्या? मेहनत दिल लगा के की है ना, तो उसका नतीजा भी अच्छा ही होगा। बस दिल पे हाथ रखो और बोलो ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। जब लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल, हो तो को करके गोल, हो तो को करके गोल, सीटी बजा के बोल। Life ho out of control, ho toh ko karke goal, ho toh ko karke goal, CT pa ja ke bol. Murgi ka jaane ande ka kya hoga, har life milegi ya tabe pe fry hoga, koi na jaane apna future kya hoga, ho toh kumao CT pa ja ke bol. Bhaiya aale आज रिजल्ट का दिन था, सब बच्चे अच्छे नंबर से पास हो गए थे, सभी बच्चे खुश भी थे, पर रिया बहुत ज्यादा ही अपसेट थी क्योंकि उसे अपने टारगेट जितने मार्क्स नहीं मिल पाए, 98 की जगह 96 मिले। शायद वो अपने टॉप के कॉलेज में नहीं जा पाएगी, शायद उसने जितने गोल सोचे थे वो अचीव नहीं कर पाएगी। यही सब सोच अब उसके दिमाग में डिप्रेशन का रूप ले रही थी। मम्मी पापा, सॉरी बंटी एंड ऑल माय फ्रेंड्स, सॉरी बट मैं अपना बेस्ट नहीं दे पाई। आई नो सबको मुझसे बहुत उम्मीद थी कि मैं 98% लेकर आऊंगी, जैसे सबको चाहिए था ना, वो टॉपर ऑफ द टाउन एंड टॉप की कॉलेज, वो सब मैं अचीव नहीं कर पाई। मुझ में अब सबको फेस करने की हिम्मत नहीं है। इस दुनिया में
ना तो कुछ मुश्किल होता है ना ही आसान होता है, सारा खेल मानने का है। जो मानता है कि उसके लिए मुश्किल है तो उसके लिए मुश्किल है, और जो मान लेता है कि मेरे लिए आसान है तो उसके लिए सब आसान है। तेरी वो रफ्तार हो, रोके से भी तू ना रुके, हासिल कर ऐसा शिखर, पर्वत की भी नजरें उठे। आशाएं मुश्किल नहीं कुछ भी, पेरेंट्स की बच्चों से उम्मीदें रहती है कि अगर 96% भी लाता है तो भी लगता है कि कम है, तो प्लीज बच्चों पे इतना प्रेशर ना डालिए। वो जितने भी लाता है, ये जिंदगी की आखिरी एग्जाम नहीं होती है, 10th स्टैंडर्ड जिंदगी की आखिरी एग्जाम नहीं होती है, और भी बहुत आगे जाना होता है। तो पेरेंट्स आप सब लोग यहाँ पर उपस्थित रहे, बच्चों का प्रोत्साहन बढ़ाया, सबको चीयर्स किया, यहाँ की परसेंटेज यहाँ की प्रेजेंस की बहुत ज़्यादा थी, हम लोगों की बहुत खुशी हुई है। टीचर्स ने भी बहुत मेहनत की है बच्चों के पीछे, और उतनी ही मेहनत बच्चों ने की है। तो थैंक यू पेरेंट्स फॉर योर अटेंडेंस एंड चीयरिंग द चिल्ड्रेन, थैंक यू सो मच।